नमस्कार दोस्तों, सफलता ग्रुप ऑफ स्टेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण रहे हैं, आगे भी रहेंगे। इन क्वेश्चनों पर शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। हमारी संस्था का जो स्लोगन है वो यहाँ सफलता एक जीत है। स्टार्टिंग करते पहले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन आपका, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन पहला है मीथेन, नेक्स्ट ऑप्शन आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका हाइड्रोजन। चलिए फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए, मात्र 2 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। राइट आंसर्स क्या होंगे आपके, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें हम चर्चा करते हैं ऑप्शंस की। जैसे पहला ऑप्शन आपका मीथेन। मीथेन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट में लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं। इसमें जानना ये जरूरी है, पूछेगा कि मीथेन के सोर्स क्या हैं, अर्थात ये मीथेन गैस कहाँ से निकल रही है। तो मीथेन गैस दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इसके सोर्स क्या हैं और ये निकल कहाँ से रही है। जुगाली करने वाले पशु, धान के खेत, अर्थात कोयले की खदानों से, आर्द्रभूमि से, आदि प्लेसेस इसके सोर्सेज हैं। और लिख करके पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। किस गैस को, मीथेन गैस से। नेक्स्ट, अब सेकंड ऑप्शन की चर्चा करते हैं। सेकंड ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड है। लिख करके पूछेगा निम्नलिखित में से किसे हासी गैस कहते हैं, अर्थात हंसाने वाली गैस कहते हैं किसे, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं। अगला ऑप्शन आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी जो है प्रदूषक कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आपका हाइड्रोजन। यदि अगर हाइड्रोजन की बात करें, इससे भी क्वेश्चन निकल करके आता है कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, अर्थात किस गैस के सर्वाधिक उत्सर्जन के कारण जो है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के कारण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आपका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, अर्थात बी ऑप्शन सही है। चर्चा कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ये कंटेंट्स क्या है, इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये लिख करके पूछेगा निम्नलिखित में से किस गैस को दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं, किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम है, इसके स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो आपको मालूम है किसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो है गाड़ियों आदि से निकलने वाले जो होते हैं इससे होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो आपको मालूम है कि प्राणदायिनी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। और क्रस्ट में अर्थात पृथ्वी की बाह्य परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट्स क्या है, आपका ऑक्सीजन। नियर वर्क कितना परसेंट, 47%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है आपका। पहला ऑप्शन से आपका UTES, नेक्स्ट आपका है IUCN, नेक्स्ट आपका IBWC, और नेक्स्ट आपका WWF। मात्र 2 सेकंड का समय है आपके पास, फटाफट आंसर बताइए इसका। कमेंट करके आप फटाफट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा IUCN, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कभी एक बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका गठन कब हुआ, 1948। इसका मुख्यालय कहाँ, ग्लांड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लिख करके पूछेगा कि IUCN की सहयोगी संस्था कौन सी, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी, WWF, अर्थात WWF का भी फुल फॉर्म पूछता है। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और पिछली बार लगातार कई कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये बैक टू बैक आ रहा। रेड का मतलब क्या होगा, खतरा, अर्थात रेड लिस्ट का अर्थ ये होता है कि विलुप्त प्राय संकटग्रस्त जीव जंतुओं की सूची या प्राणी जो है वनस्पतियों की सूची तैयार करने का कार्य किसका है, रेड डाटा सूची का, और जो जारी कौन करता है, IUCN। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, अर्थात सर्वाधिक जैवता किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, नेक्स्ट आपका शीतोष्णकटिबंधीय वन, अगला आपका शंकुधारी वनों में, या लास्ट उत्तर ध्रुवीय वनों में। राइट आंसर आपका होगा, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएं, राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन या सदाबहार वर्षा वन बायोम। लेकर के पूछेगा कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि WG रोजिन ने, अर्थात वाल्टर जी और रोजिन ने।
लेकर के पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके अगर पूछेगा कि सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी किस घाटी में पाई जाती है, तो आपको अगर मालूम होगा तभी क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज जानना जरूरी ये है कि किस घाटी में, अर्थात सांध घाटी में। कौन सी घाटी? सांध घाटी। और ये सांध घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, अर्थात जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? कब मनाएंगे? 22 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10% नियम किससे संबंधित है, अर्थात 10% 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचना, ध्यान से देखिएगा आप लोग ऑप्शंस को, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, नेक्स्ट आपका सी पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, या लास्ट ऑप्शन आपका पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। अब सबसे पहले जानना आपको ये जरूरी कि 10% रूल है संबंधित किससे, तो आपको मालूम है एनर्जी फूड से है रिलेशन इसका। इसे हम लिंडमैन की थ्योरी भी कहते हैं, अर्थात किसकी थ्योरी कहते हैं? इसे हम लिंडमैन की थ्योरी कहते हैं। किसकी? लिंडमैन की थ्योरी कहते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर होगा आपका ऊर्जा का एक खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना। अर्थात जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब ट्रांसफर होती है, तो आपको मालूम है कि कितना परसेंट एनर्जी लॉस होती है? अर्थात 90% एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। और अगले स्टेप में मात्र कितना परसेंट बचता है? मात्र 10% एनर्जी। इसे कहते हैं 10% रूल। क्या कहते हैं? 10% का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लगातार बैक टू बैक आया, वन डे ग्रुप ले से लेकर के आईएस तक लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन ही आता है, तो आपको ध्यान देना है। ऑप्शन आपका किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, नेक्स्ट ऑप्शन आपका वनस्पति में संरक्षित शर्करा, आपका थर्ड ऑप्शन है सौर ऊर्जा, और लास्ट आपका इनमें से कोई नहीं। अर्थात पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है, फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं आप। एक सेकंड, मुश्किल से एक सेकंड का क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। क्या होगा? राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? सौर ऊर्जा। तो याद रखना आप लोगों को कि पारिस्थितिकी निकाय में, पारिस्थितिकी निकाय में अगर देखा जाए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत की अगर हम बात करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? आपका ऑप्शन है समुद्र, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका घास के मैदान, नेक्स्ट है वन, और नेक्स्ट आपका है पर्वत। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए, मात्र एक सेकंड लगने चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लगातार कई बार आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्र। जब आपको विश्व के विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र की बात है, तो आपको मालूम नहीं क्या होगा? समुद्र या महासागर। ऑप्शन में एक ना एक जरूर मिलेगा, समुद्र या महासागर। लेकिन जैसे ही घास के मैदान वगैरह की वन की बात करें, इसे भी संबंधित आपको मालूम है कि क्वेश्चन बनते हैं। अगर लिख करके पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, तब आपका वहाँ राइट आंसर क्या होगा? धान के खेत। अर्थात धान का खेत जब लिख करके पूछे, तो आपको यह मालूम होना चाहिए वो किसकी बात करना चाह रहा हो, वो नेचर की बात है अर्थात आर्टिफिशियल की बात करना चाहिए, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करना चाह रहा हो, क्या हो जाएगा? धान का खेत। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी, देखिए हमने अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपका ऑप्शन है धान का खेत, नेक्स्ट ऑप्शन है वन, सी ऑप्शन है घास का मैदान, और लास्ट क्या है? झील। अब राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए, मात्र एक सेकंड लगने चाहिए, एक सेकंड से ज्यादा का आंसर नहीं है आपको। राइट आंसर क्या होगा? धान का खेत। अर्थात धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपको मालूम होना चाहिए कौन सी गैस है ये, धान के खेत से निकलने वाली मीथेन। अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मीथेन के सोर्सेज क्या होंगे, अर्थात इसमें दो क्वेश्चन बने, एक तो धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी, मीथेन गैस, और अगर आप लिख करके पूछे कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे, धान का खेत, या लिख करके किसी को दूसरे रूप में पूछेगा फसली भूमि। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात एक बार तो अभी कुछ देर पहले आपने देखा क्वेश्चन की प्रकृति अलग थी, अभी क्वेश्चन चेंज हो गए। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ऑप्शन से आपका पहला सांध घाटी में, ऑप्शन बी आपका कश्मीर में, ऑप्शन सी है सुरमा घाटी में, ऑप्शन डी है फूलों की घाटी में। चलिए फटाफट बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं आप लोग फटाफट, मात्र जो है हमेशा कमेंट करके बताइए फटाफट, एक सेकंड लगना चाहिए मुश्किल से। पहला ऑप्शन आपका सांध घाटी, अर्थात सही क्या होगा? सांध घाटी। इसी को हम कहते हैं साइलेंट वैली। क्या कहते हैं इसको? हम साइलेंट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। अर्थात लिख करके ये पूछेगा कि सांध घाटी स्थित कहाँ, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ स्थित है ये, केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। अगला ऑप्शन पर चर्चा करते हैं कश्मीर में। कश्मीर में बायोडाइवर्सिटी से रिलेशन ना होकर के मेन हम आते हैं कि लास्ट ऑप्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है फूलों की घाटी। अभी तो मान लीजिए सांध घाटी या साइलेंट वैली या मूक घाटी लिख करके पूछा, अगला मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है,
अर्थात फूलों की घाटी खांच देता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके आप बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। ये पुराने कई एग्जाम्स में लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, चाहे हम टेट की चर्चा करें, अदर कंपिटेटिव जो भी एग्जाम्स की चर्चा करें, उसमें कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो फूलों की घाटी आपको मालूम होना चाहिए कहाँ स्थित है, उत्तराखंड, अर्थात चमोली उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फूलों की घाटी स्थित है। चलिए हम जिस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे, देखिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही रहे हैं। फूलों की अर्थात वैली या फ्लावर्स कहाँ स्थित या अवस्थित, दोनों सेम मैटर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए फटाफट आंसर आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन से केरल, नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, और लास्ट ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए फटाफट एक सेकंड लगने चाहिए, कई बार चर्चा हो चुकी इस मैटर पर और आप लोग को अच्छी तरीके मालूम होगा कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, उत्तराखंड। क्या सही होगा, उत्तराखंड, अर्थात वैली या फ्लावर्स की अगर हम बात करेंगे कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्या हो जाएगा, चमोली। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि जब उसने साइलेंट वैली की बात की, अर्थात आपको मालूम है कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया साइलेंट वैली के बारे में। ये साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में। कहाँ स्थित है, केरल में। अर्थात सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे कहाँ पाई जाएगी, किस घाटी में, सांद घाटी में। वो सांद घाटी स्थित कहाँ है, केरल में। ऐसी फूलों की घाटी पूछ लिया, आगे चल करके सुरमा घाटी, इससे बहुत सारी घाटियों के क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख या तिथि को हम मनाते हैं वह तिथि है। अर्थात पहला ऑप्शन आपका 21 मार्च, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 23 सितंबर, नेक्स्ट ऑप्शन से आपका 5 जून, और नेक्स्ट आपका 25 मई। ये आपका एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बैक टू बैक, यानी इनसे हम अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा पेपर नहीं होता जिसमें ये क्वेश्चन बने ना। राइट आंसर क्या होगा आपका, 5 जून। अभी पिछली बार कई सेट जैसे यूपीडेट जैसे एग्जाम्स में कई बार आ चुका है 5 जून, या सुपर डेट की हम बात करें 2018-19 लगातार बैक टू बैक आ रहा है, या जो भी वनडे कंपिटेटिव है ग्रुप डी से लेकर के आई एस तक लगातार ये बैक टू बैक क्वेश्चन की चर्चा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाएंगे हम, 5 जून को, अर्थात 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉकहोम सम्मेलन में आयोजन हुआ था, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन हुआ, उसमें पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनाएं व्यक्त की, उसमें एक तिथि डिसाइड की गई जिसे कहा गया 5 जून के रूप में। अर्थात प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तभी से लगातार 5 जून की चर्चा होती है। तो आप ये याद रखना, पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाएंगे 5 जून। इसमें कुछ और संबंधित क्वेश्चन है, चर्चा कर लेते हैं। 21 मार्च को क्या मनाएंगे आप, 21 मार्च फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग 21 मार्च को क्या मनाएंगे। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, पर्यावरण अर्थात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया, अर्थात किस देश ने प्रारंभ किया। वैसे किसने की बात करेंगे तो ये पर्सनालिटी की बात हो जाएगी, तो पहले ये जानना जरूरी कि किसने या किस देश ने प्रारंभ किया, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इजिप्ट। फटाफट आप कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर सही हुआ। से मात्र 1 सेकंड से लगने चाहिए, बहुत तेजी से करेंगे तभी मेंटेन हो पाएगा। राइट आंसर क्या आपका, ऑस्ट्रेलिया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूपी टेट के अकॉर्डिंग जितने भी पुराने एग्जाम्स वगैरह अगर आप देखेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन बनता कि नहीं। आपका कई बार रिलेशन बन चुका, एक बार की बात 2016, अर्थात 2016 में इसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि गर्मियों में अगर हमको क्रिसमस मनाना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। अब गर्मियों में शीत ऋतु में आपको मालूम है कि उत्तरी गोलार्ध था, भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित, आपको मालूम उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ मनाते। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 2016 में एक क्वेश्चन बनाइए कि कहाँ मनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में, यदि हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो हमको जानकारी होनी चाहिए, 2017 का एक क्वेश्चन बना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, कैनबरा। अर्थात 2016 से अगला रिलेशन आपको मिला कि जब हम ऑस्ट्रेलिया घूमने गए तो क्या हमको नहीं मालूम होना चाहिए इसकी राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ठीक, सुपर टेट 2018 में ये। अगला क्वेश्चन यहीं से बनकर निकल रहा है कि समवर्ती सूची किस देश दिन के है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लगातार बैक टू बैक बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हम बात करेंगे, सबसे बड़े मुगे चट्टान की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है ये, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध हो, मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हों, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। फटाफट चलिए कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले उत्पादों को कौन सा मार्क देंगे, इको मार्क। कौन सा मार्क देंगे, इको मार्क। अब इसका एक बहुत आसान सा जोड़ने का तरीका है, इको मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, इको फ्रेंडली। क्या हो जाएगा, इको फ्रेंडली, अर्थात इको मार्क इक्वल टू इको फ्रेंडली, अर्थात पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले उत्पादों को कौन सा मार्क देंगे, इको मार्क। ऐसे लिखकर के पूछेगा कि एग मार्क का संबंध किससे है, एग मार्क। एग मार्क इक्वल टू ए जी, अर्थात कृषि में खाद्य पदार्थों से उत्पन्न संबंधों को कौन सा देंगे, एग मार्क देंगे। कौन सा, एग मार्क। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा हॉल मार्क, ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा हॉल मार्क।
हॉलमार्क अर्थात क्या होता है कि स्वर्णाभूषण, स्वर्णाभूषण पर दिए जाने वाले मार्क को क्या कहते हैं, हॉलमार्क। ऐसे बहुत सारे मार्क वगैरह से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी कि कुमार की स्टार्टिंग वगैरह का भी कैसे क्या सिस्टम है इससे संबंधित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित हुआ या किस वर्ष पारित हुआ। आपका ऑप्शन से 1981, नेक्स्ट ऑप्शन से 1986, नेक्स्ट ऑप्शन से 1995, नेक्स्ट ऑप्शन आपका 2000। राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताइए, एक सेकंड लगने चाहिए मुश्किल से। राइट आंसर होगा आपका 1986, अर्थात भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो किस वर्ष पारित हुआ 1986 में। अब 1986 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आपको रिलेट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे रिलेट करें इसको। इसमें आपने पढ़ा होगा यूपीटेट वाले विशेष ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अर्थात ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आरंभ हुई 1986 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आरंभ 1986। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 1986 से रिलेट होते हैं, तो जब भी आप क्वेश्चन क्लियर करें या कवर करें इससे आसपास जोड़ कर क्वेश्चन पढ़ते रहें। आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम सन 2000 की। 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह तमाम सारी स्टार्टिंग हुई, और आपको मालूम है तीन स्टेट अलग हुए, अर्थात उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड, इसके अलावा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और जो है बिहार से आपके झारखंड। वो कब की बात है, सन 2000 की बात है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अर्थात EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इससे हम कहते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, छाता विधान। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो होगा वो छाता विधान होगा। अगला ऑप्शन सी में है आपका छणी मुबारक, पर्यावरण विधान, इको संरक्षण, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए क्या है, छाता विधान। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किसी नाम से, हो सकता है इनके छाता विधान लिख करके पूछे कि छाता विधान को अन्य किस नाम से जानते, तो आपको मालूम होना चाहिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अर्थात EPA, क्या हो जाएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, UNEP का मुख्यालय, UNEP का मुख्यालय अवस्थित या स्थित है, दोनों लिख करके पूछेगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी कि UNEP का हेडक्वार्टर क्या होगा, और ये हेडक्वार्टर जानने से पहले इसका फुल फॉर्म बताना जरूरी है, क्योंकि UNEP का हेडक्वार्टर फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम अर्थात राष्ट्रीय संयुक्त पर्यावरण जो है कार्यक्रम लिख करके पूछेगा। तो आपको जानना चाहिए UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा, काठमांडू, नैरोबी या नई दिल्ली। राइट आंसर्स क्या होंगे, नैरोबी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ स्थित है, नैरोबी। नैरोबी किसकी राजधानी है, आपको मालूम होना चाहिए किसकी राजधानी है, केन्या की। किसकी राजधानी है, केन्या की। ऐसे में दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन आपका काठमांडू, आपने पढ़ा होगा सार्क के बारे में, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू, और काठमांडू किसकी राजधानी है, आपको मालूम चाहिए नेपाल की। ऐसे नई दिल्ली से, अर्थात राष्ट्रीय यानी नेशनल इवेंट्स की कोई चर्चा